उत्तर प्रदेश की हरदोई पुलिस द्वारा होली और पंचायत चुनाव के मद्देनजर कच्ची शराब के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत आज आबकारी विभाग और शाहबाद पुलिस की संयुक्त टीम ने काशीराम कॉलोनी और मोहल्ला हाता हकीम में छापा मारा। इस दौरान 25 लीटर कच्ची शराब, दो भट्टी तथा शराब बनाने के उपकरण सहित तीन आरोपितों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आपको बता दें कि आबकारी इंस्पेक्टर नेहा सिंह और चौकी इंचार्ज सुनील कुमार ने अपनी टीम के साथ काशीराम कॉलोनी में कई जगह छापेमारी की, जिसमें 15 लीटर कच्ची शराब तथा दो भट्टी बरामद की गई। टीम थोड़ी दूर पर स्थित मोहल्ला हाता हकीम में पहुंची, जहां पर शकील के मकान में 10 लीटर कच्ची शराब पकड़ी गई है, जिसको आबकारी विभाग की टीम के द्वारा नष्ट कर दिया गया, जिसमें तीन लोगों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। ब्रेकिंग न्यूज, राजबसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, ईडीसी आईडीसी फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक